हुण आओ आपां ध्यान अपना लै चलीए जो अज दा पावन पितर दिहाड़ा है। मैं पहला भी अर्ज कीती सन्मान योग आप सारी संगत जानदे हो धन गुरु नानक साहिब पातशाह जिस अस्थान ते बली कंगारी दे वल्लों दित्ता होया तक्का ओ पत्थर नू मैं गुरु दी हजूरी विच कह रहा पंजा ला के रोक दिंदे आ। फिर सुनो ध्यान नाल शब्द। एक विद्वान होया सज्जन करतार सिंह दुग्गल ओदी इक किताब है। वह कहिंदा मेरे मेरे मन विच शक सी वे किस तरह हो सकदा है पहाड़ बड़ा पत्थर पंजा ला के किवें रुक सकदा है। कहिंदा जदों सिंघां ने सीस दित्ते चलदी हुई ट्रेन ओ भी थम गई। मेरी भैण ने आंदा सवाल कीता ट्रेन किवें रुकी। कहिंदा मेरे मन चों गल आई भैणे जेड़ा गुरु पंजा ला के पहाड़ रोक सकदा ट्रेन किड्डी की वड्डी चीज है। उन्हें शब्द वरत्या। मैं चलो इत्थे बेनती करा दो गुरमुखां दा नाम हुंदा भाई प्रताप सिंह ते भाई करम सिंह। इतिहास दसदा है। वैसे मैं एक बेनती जरूर करा आप जिन्ने सुचेत मन वाले सज्जन हो पढ़न दे शौकीन हो 1920 तो लैके 1925 तक का इतिहास जरूर पढ़ो। साके वापर दिया ननकाणा साहिब जैतो का मोर्चा लगता है गुरु के बाग का मोर्चा लगता है साका पंजा साहिब वापरदा है। मैं ये भी बेनती जरूर कर करम सिंह भी आए थे। भाई करम सिंह का जन्म आनंदपुर साहब का है। आनंदपुर साहब इन्हां दे पिता ज्ञानी भगवान सिंह ओ इत्थे सेवा करिया करदे सी जां इह कह लो इत्थे महंत सी। जदों सिखां ने महंतां तों गुरद्वारियां नूं आजाद कराया मोर्चा लग्या उस वेले ज्ञानी भगवान सिंह ने आप अपने हथीं गुरुद्वारा श्री आनंदपुर साहब का प्रबंध सिखां नूं दे दिता सी। पर जेडे इह भाई करम सिंह सी बचपन विच इन्हां दा नाम भाई संत सिंह सी। संत सिंह जदों हजूर साहब जांदे आ उथे अमृत पान करदे आ पंज प्यारे सिंह साहिबाना ने इन्हां दा नाम संत सिंह तों भाई करम सिंह रख दिता। शरीर बहुता भारा सी दाड़ा खुला प्रकाश करदे सी। भाई करम सिंह जिथे गुरु घर की सेवा करदे आ उथे नाल कीर्तन भी करदे आ। कीर्तन दे नाल नाल कथा विचारां बहुत सुंदर करिया करदे सी। कुछ दिन ही सी जदों ये पंजा साहिब गए कुछ दिन पहला पंजा साहिब जाके इन्हां विचारां करनियां रोज कीर्तन करना अमृत वेले आसा की वारदा। हुण इधर किवें वापरिया साका पंजा साहिब सिखां दे उत्ते समां ऐसा आया हकूमत ने सिखां नूं कैदी बना बना के ते जेलां च डकना शुरू कर दिता। जदों इह समां वापरदा है ते उह सन 1922 है। अज वाला दिन है 30 अक्तूबर। अज वाला दिन समा कुछ इतिहासकार 6:30 दा दसदे आ कुछ सज्जन जेडे ने 8 बजे दा दसदे आ पर माता गुरनाम हरनाम कौर उन्होंने शब्द 8:30 दा समा वरत्या। मैं बेनती करा उस तों बाद एक सिखां दी रेल ट्रेन भर के सिख कैदियां दी अटक वल नूं जा रही है। गुरसिखां नूं पता लगदा है वी ट्रेनां होर वी लंघदियां ने जिथे सिखां ते तशद्दद हुंदा है उथे उहनां नूं छकण लई वी कुछ नहीं दित्ता जांदा। जिहड़ा भुखे रखणा है ना इह वी इक तसीहा है। हकूमत रखदी है अपने कैदियां नूं। अंग्रेजी हकूमत ने जिथे मार कुट करनी उथे नाल नाल भुखे वी रखना छकण नूं कुछ ना देना। गुरसिखां नूं पता लगना पंजा साहिब दे नेड़े रेलवे स्टेशन सी। इन्हां दे मन विच ख्याल पैदा होया कि आपां गुरसिखां नूं भोजन प्रशादा जरूर छकाईए। ते मैं एक बेनती करां लाइव चल रहा है गुरमुखों मैं वड्याई नहीं कर रहा पर साडी सिख कौम ऐसी है
किसी भी धर्म ते किसी भी मजहब ते विपता पैंदी ए आप भावे भुखे भुख कट लैन पर चेते रखियो दुनिया नू ए लोकां नू भुखे नहीं रहन दिंदे ये वापरिया जिथे प्रसादे का लंगर लगता है आ करोना आया लॉकडाउन लग्या जेड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर भी 25-25 हज़ार का सी गुरसिखा सेवा की ऑक्सीजन के लंगर ला दिते यह वापरिया आप दमनुआ साहब की धरती बैठे इथे लग्या लंगर मैं बेनती जरूर करा गुरसिखा के मन में चाओ हुंदा है भुखे के पेट में प्रसादा जरूर पाइए क्योंकि एक तो बाणी च महाराज कहिंदे आ जिवें मां दे पुत भुखे नूं कोई प्रसादा छका दे मां बहुत कुछ हुंदी है गुरु दा सिख जेकर कोई भुखण पाणा रब दा बंदा उहदे पेट विच जे कोई प्रसादा पाणी पा दिंदा परमात्मा बहुत खुश हुंदा है मैं बेनती करा गुरसिखां ने उपराला कीता उस वेले माता हरनाम कौर एक शब्द वरती है भी 300 गिनती सी ते भाई करम सिंह स्टेशन मास्टर को जाके बार बार पूछ दिया अज कोई ट्रेन लंघनी है वो एको शब्द वरतदे अज 8 बजे के करीबन एक ट्रेन लंघेगी भाई करम सिंह कहिंदा तू कोई उद्यम करके इस ट्रेन नू रोक दे असी अपने सिखां नू जेड़े कई दिनां तों भुखे ने प्रसादा छकाउणा कुछ इतिहासकार सज्जन इत्थे शब्द वरतदे आ कि उस ट्रेन विच साबका फौजी सी जिन्हां नूं कैदी बना के लजाया जा रहा सी जिन्हां दे अंदर गुरसिखी दी भावना है उह साबका फौजियां नूं जिथे शरीरक तसद्दद होया उत्थे 100-100 रुपया जुर्माना भी लाया गया सी उन्हां वेलियां दा मैं इक बेनती होर करदा जावां उह साबका फौजियां उह सिखां नूं लजाया जा रहा है भाई करम सिंह ने बेनती की स्टेशन मास्टर एक शब्द कहिंदा है कि मेरे हाथ वस कुछ नहीं उपरों हुक्म है कि ट्रेन रुकनी नहीं शायद भाई करम सिंह दे मन विच आया होवे जेड़ा मेरा गुरु नानक डिगदे हुए पत्थर नू एडे पहाड़ नू रोक सकदा है आ ट्रेन कोई बहुती वड्डी चीज नहीं रुकेगी संगत नाल विचार हुई अमृत वेले तो भाई करम सिंह ओ आसा की वार दा कीर्तन करदे आ जदों कीर्तन दी समाप्ति अज छेती कर दित्ती आई दिन है 30 अक्तूबर सवेरे जल्दी समाप्ति कीती ते माइयां भैणां बीबियां ने सिखां ने लंगर तैयार कीता 300 गिनती इतिहासकार दसदे आ पंजा साहिब गुरुद्वारा साहिब तों स्टेशन तक सिख गए ये अटक वल नूं जा रही सी ट्रेन अगां नूं कैदी बना के लिजाया जा रहा क्योंकि अमृतसर साहिब दीआं जेलां जिहड़ियां सी ओह भर चुकियां ने ये अगां लिजा रहे आ उस वेले सिखां ने जाके फिर क्या स्टेशन मास्टर तू किवें भी कर गड्डी जरूर रोक कहंदे उपरों हुक्म है रुकनी कोई नहीं भाई प्रताप सिंह कहंदे असीं भी उपर बेनती करदे आं महाराज नूं पातशाह तुसीं जरूर रोको सारी विचार हुई इन्हां नूं ट्रेन दी विसल वज्जी कूकां मारदी आ रही है गुरमुख सज्जन माता हरनाम कौर उदों इन्हां दी कुख विच 3 महीने दा बच्चा है कुख नूं भाग लग्या 3 महीने होए आ माता हरनाम कौर अनेकां सिख स्टेशन ते पुजदे आ ट्रेन सामने आई जदों गुरसिखा ने वेख्या आसा पासा होर कोई चारा नहीं दौड़ के ट्रेन ते जाके बैठ गए वाहिगुरु पटरी ते जाके बैठ गए जदों पटरी ते जाके बैठदे आ स्टेशन मास्टर आंदा बड़ी तेज आउंदी है गड्डी रुकनी कोई नहीं तुहाडियां जानां चलियां जाणगियां भाई करम सिंह ने उस दिन शब्द पढ़िया सी आसा की वार दे भोग पाउण तों बाद मोहे मरने का चाओ है ते सच चेते रखियो मौत तों ओ डरदा है जिहदे गुरु चेते नहीं जिहदे गुरु चेते हुंदा उते मौत नूं भी मुखौला करदा है बाबा दीप सिंह आपां स्थान ते बैठे आ इस धरती तों चलदे आ दुनिया डरदी किते छोटा जा फट ना लग जाए शहीद बाबा दीप सिंह अपने कर कमलां ते अपने हाथ ते अपने शीश नूं आप टकाउंदे आ आपां उहनां दे वारस आ मौत तों डरिया नहीं भाई प्रताप सिंह समां इतिहास करांदे आ भाई प्रताप सिंह पटड़ी ते बैठ गए पिछे भाई करम सिंह भज के बह गए होर भी गुरसिख बैठ गए ट्रेन आउंदी है बड़ी तेज गुरमुख सज्जन एक लफ्ज वरते आ जिहड़ा ट्रेन नूं चलाउण वाला ड्राइवर है ना वह मुसलमान सी
उस वेले ते ए पाकिस्तान दे गुजरात नगर दा सी। उदे ते बाद विच केस पिया, उन्हें वकायदा अपने बोलां च बोलिया है, कोर्ट विच अगवाई दिती है। ते ए कोई मैं कह लवां कोई घरों मैं लिख के कहानी नहीं लिया, ए साडा इतिहास है। उन्हें जिहड़े शब्द वरते मैं ओह वी जरूर सांझे करांगा। जदों भाई करम सिंह, भाई प्रताप सिंह, गुरु कैसिक बैठ गए, उहदे विच माता हरनाम कौर वी बैठ गए, जिन्हां दी कुख विच 3 महीने दा हजे बच्चा है, जन्म नहीं होया। समा आया ते ट्रेन बिल्कुल कोल आ गई। भाई प्रताप सिंह, भाई करम सिंह गुरु दे चरणा दा ध्यान धर दिया। मैं कहा धन ओ गुरसिख ते धन ओ गुरु के सिखां दा गुरु, साडा गुरु जिहड़ा ऐसे ब्रिध दी प्रतिपालना करदा है, सिख दी हार नहीं होण दिंदा। ਇਹ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਢਾਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੱਲੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲਵਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਨਕਿਨ ਜੇ ਜਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰੜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਆ ਕੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਜਵਾੜਾ ਪਾਟਿਆ, ਹਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਟਕਰਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੀ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਉਹ ਦਵਾ ਦਵਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਤਨਾਲੇ ਚੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਿਆ ਇੰਨਾ ਖੂਨ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾਟਿਆ, ਮੱਥਾ ਪਾਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਖ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਤੋਂ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ 11 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ 6 ਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹੀਆਂ ਦਿਓ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਹਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਆ
चारक घंटे जेडे सी भाई करम सिंह कट दिया फिर शहादत दा चांपी बुरी तरह जख्मी हो गए सी। पर भाई प्रताप सिंह एक रात कड़े ने, रात पई सारी रात गुरु गुरु जपदे रहे। अमृत वेला होया, कुदरत रब दी गुरु दा पाणा, अमृत वेला होया ते इतिहास कहिंदे गुरमुख सज्जन लिख दिया माता हरनाम कौर कहिंदे आ अमृत वेले भाई प्रताप सिंह ने खुले हुए जवाड़े नाल जपजी साहब दा पाठ कीता। जदों शब्द पढ़िया कीती छुट्टी नाल उस तों बाद शरीर छड़ के शहादत दा जाम पी गए। ते मैं एक बेनती जरूर करा, कई बार अपने ते छोटा जा दुख आ जाए माफ करना, साडा एरिया साडा इलाका इदां दा है लोकी छोटा जा दुख आउंदे गुरु नूं लंघ दे सी। भाई करम सिंह कट दिया फिर शहादत दा चाम पी बुरी तरह जख्मी हो गए सी। पर भाई प्रताप सिंह एक रात कड़े ने, रात पई सारी रात गुरु गुरु जपदे रहे। अमृत वेला होया, कुदरत रब दी गुरु दा पाणा, अमृत वेला होया ते इतिहास कहिंदे गुरमुख सज्जन लिख दिया माता हरनाम कौर कहिंदे आ अमृत वेले भाई प्रताप सिंह ने खुले हुए जवाड़े नाल जपजी साहब दा पाठ कीता। जदों शब्द पढ़िया कीती छुट्टी नाल उस तों बाद शरीर छड़ के शहादत दा जाम पी गए।